ग्रोवर, हमें आपका प्रस्ताव उचित लगा। धन्यवाद महाराज। महाराज, हमारे पास एक और प्रस्ताव है। वो क्या? देखिए महाराज, अभ्यास तो मात्र सेना के लिए होगा, आपके लिए तो वास्तविक युद्ध होगा। अर्थात ग्रोवर? अर्थात महाराज, देखिए, यदि आपने इसे नकली युद्ध समझकर व्यवहार किया तो कदापि पेस प्रभावित ना हो। तो हमारे विचार से पेस को प्रभावित करने के लिए यदि आपको नरसिंह वर्धन को दो चार हाथ लगाने भी पड़ जाएं, तो निसंकोच लगा दीजिएगा महाराज। क्या कह रहे हैं आप ग्रोवर? हाँ महाराज, अंततः आपका नाम पेस की पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित जो होना है। हाँ, वो तो होना है जी महाराज। उचित है ग्रोवर, ये युद्ध अभ्यास हमारे लिए एक वास्तविक युद्ध से भी बढ़कर होगा। जी महाराज जी। अब महाराज के कारण हम भी दो चार हाथ चला देंगे। महाराज का नाम अंकित हो ना हो, हमारा नाम पेस की पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अवश्य अंकित होगा। ग्रोवर? जी जी महाराज। मित्रोकल विद्वाद्घात किया है लामा। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। अरे मंत्रीवर, आप? प्रणाम। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। एक गंभीर समस्या आन पड़ी। क्या मंत्रीवर? और इसीलिए चंदन घोड़ा की सेना यहाँ आ रही है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ। कहीं वहाँ उनके सैनिक उच्छृंखल हो गए और यहाँ हमारे लोग गंभीर हो गए तो वास्तविक युद्ध ना आरंभ हो जाए। हाँ। ये तो विनाश का कारण बन जाएगा। हिमा, इस युद्ध को रोकना होगा। हम भी यही विचार कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण, परंतु कैसे? पंडित रामकृष्ण, ये तीनों आपको शेरनी की भांति घूर क्यों रहे हैं? क्या है मंत्री महोदय? डोमिंगो पेस यहाँ पर पधारे थे। क्या? डोमिंगो पेस यहाँ पर? डोमिंगो पेस हर स्थान पर है। परंतु ये इस प्रकार से आपको क्यों घूर रही है कि आपको जिंदा खा जाएंगी? मंत्री महोदय, एक उपाय है। क्या? उचित। हाँ, हमें आगे आगे बेटा। उठा लो। क्या? अपने वस्त्र सामग्री सब उठा लो और निकल जाओ इस घर से। पुनः अपना मुख मत दिखाना। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। हम आपको क्षमा नहीं करने वाले। मैं जानता था तुम लोग मुझे क्षमा नहीं करोगे, इसलिए तो पेस महोदय की पुस्तिका में अपने नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाने का स्वर्णिम अवसर पुनः लेकर आया हूं। अच्छा। पेस महोदय की पुस्तिका में, इतिहास में वीरांगना, ये युद्ध आप दोनों की छवि महान कर देगा। हम तो है ही वीरांगना, हम करेंगे ये युद्ध। हाँ हाँ, विजयनगर की महारानियां किसी कला में पीछे नहीं है, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, हम करेंगे ये युद्ध। बिल्कुल सत्य कहा बड़ी महारानी जी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, विलंब हो गया है। प्रणाम। प्रणाम। रामा सुन, मंत्रीवर अम्मा शारदा महारानियां तो हो गई, पर गुरुवर तथाचार्य भी तो हैं। बंधु, तू चिंता मत कर, जितना मैं उन्हें जानता हूँ उनके चतुर चलाक मस्तिष्क में तो ये उपाय आ भी गया होगा। ये सारी योजना उन्हीं की तो है, वो अवश्य वही करेंगे जिसका मैं अभिलाषी हूँ, समझा? आइए आइए, पेश मत आइए, बैठी बैठी बैठी।
यहाँ युद्ध होने वाला है, हमें क्यों लेके आया? अब स्थान गर्म कीजिए, अर्थात स्थान ग्रहण कीजिए पेश महोदय, और लिखिए। आपको लेख लिखने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, जो आपके देश में लोग रुचि से पढ़ेंगे। नहीं बोल्दीमान, हमें जाना है, हम कभी युद्ध नहीं देखा, हमको युद्ध से बहुत डर लगता है, गलती से कोई उल्टा ढीर घुस गया तो हमारा क्या होगा? चिंता मत कीजिए पेश महोदय, हम है ना, हमारे रहते आपको कुछ नहीं होगा। आप शांति से बैठिए और लिखिए। धनिचारे मनिचारे मेरे बच्चों, यहाँ पेश महोदय के पास रहो और इनका ध्यान रखो, हम महाराज को विजयी करवा के आते हैं। क्या कहा हमने? महाराज को विजयी करवा के आते हैं। हाँ समझ गए गुरुजी। ये भी लिख लीजिएगा। वो जो कुर्सी पर हाथ में पुस्तक लेकर बैठा है वही पुर्तगाली डोमिंगो पेस है। इष्टदेव राय, क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? हम तो कब से तैयार है, तत्पर हैं युद्ध के लिए। आप अपनी बताइए महाराज नरसिंह वर्धन। ये तो तैयार है, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मात्र युद्धाभ्यास है, हिम्मत रखिए, वीरता दिखाइए। हम तो अपनी माँ के पेट से लड़ते हुए आए हैं, एक वर्ष अगर हम युद्ध न करें तो हमारा पाचन खराब हो जाता है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें युद्ध का अवसर दिया। महामंत्री जी, महाराज हो क्या गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? महाराज उन्हें भी ज्ञात है कि युद्ध अभ्यास चल रहा है, लगता है उत्साहित हो गए हैं युद्ध अभ्यास को लेकर, इसीलिए अधिक बोल रहे हैं। उचित है, उन्हें बोलने दीजिए, पेश महोदय को रखेगा, वास्तविक युद्ध हो रहा है। हम भी बोलते हैं महाराज नरसिंह वर्धन, हमारा भी यही हाल है, युद्ध हमारा भी कर्म है। वहां पर राज सिंहासन पर बैठे बैठे शरीर अकड़ सा गया था हमारा। हम भी आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप हमसे युद्ध करने आए हैं। आपसे युद्ध करने में आनंद तो नहीं आएगा, परंतु हाँ हमारे युद्ध का अभ्यास अवश्य हो जाएगा। नरसिंह वर्धन वहां क्या देख रहे हैं, भागने का मार्ग ढूंढ रहे हैं क्या? चलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और कहीं अपनी सेना से वार्तालाप में समय नष्ट ना करें, हम तत्पर हैं। सावधान सैनिकों। गुरुजी ये उचित लिख रहा है ना, अगर अनुचित लिख दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप अच्छा कर रहे हैं महाराज। आक्रमण के लिए तैयार। नरसिंह वर्धन सबसे पहले इस सक्षम महामंत्री से तो निपट लो, उसके बाद महाराज कृष्णदेव राय अपने साथ युद्ध करने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। जब दो राजा आपस में वार्तालाप कर रहे हो तो मध्य में मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महामंत्री जी। जी महाराज। तलवार मयान में रखती जी। जी महाराज नरसिंह वर्धन, सत्य कहा आपने, राजगुरु तथाचार्य के होते हुए महामंत्री जी की क्या आवश्यकता है? अरे बोलती यहाँ पे भी आ गया है। सुनिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए, अन्यथा हम अपने मंत्रों की शक्ति से आपको और आपकी समस्त सेना को भस्म कर देंगे। गुरुवर, गुरुवर, बच गए। देखा महाराज नरसिंह वर्धन जी, आपका ये भाला हमारे सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाया।
देखा देखा पेश पौधे, ये है हमारे महान विद्वान गुरु जी की चमत्कारिक मंत्रों की शक्ति, बाला तक रोक दिया। गुरुवर, बच्चे गुरुवर। अच्छा, अरे रुक जाइए ना महाराज नरसिंह वर्धन जी। ये पेश लिख रहा कि नहीं लिख रहा? हाँ लिख रहा। अपने पुरोहित को हमसे युद्ध करने के लिए कहिए। आप हमारे साथ युद्ध क्यों कर रहे हैं? हम बराबर वालों के साथ युद्ध करते हैं, हम नहीं करेंगे आपके साथ युद्ध। कहाँ छुपा बैठा है आपका वो राजगुरु? जाना मैं उसका। हाँ वल्लभ राजू, कहिए उससे हिम्मत है तो हमारे सामने आए। पाखंडी तथाचार्य, मैं यही हूँ, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। आ गए तुम कपटी, तुम्हारा अंत अब निश्चित है आचार्य वल्लभ राजू। बस अब हम तुम्हें नहीं, भाले से नहीं, भस्म करेंगे। भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। व्यर्थ की बातें सुन ली आपकी, हम अभी फूंक मार के आपको सातवें आसमान पे उल्टा टांग देंगे। फूंक मार के? आज तक ऐसी कोई फूंक नहीं बनी जो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके। अच्छा अभी दिखाते हैं। गुरुदेव लिख रहा है, आप दिखाइए चमत्कार। क्या था? देखा हमारी फूंक का चमत्कार? बीस मोते हमारे विषय में कहीं कुछ गलत ना लिखते। अरे क्या देखा? कुछ नहीं देखा। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम हमें सातवें आसमान पर टांग दोगे। हम नहीं टांगे, हम यहीं खड़े हैं। मर गया। अब आपको सर्वप्रथम पत्थर से बार बार कर लहूलुहान करेंगे, फिर सातवें आसमान पे टांगेंगे। महाराज जी क्या हो रहा है? महाराज जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज देखिए पेस मोहते लिख रहे हैं कि हमारा नहीं, वो विजयनगर के सम्मान का प्रश्न है। हम बस बहुत हो गया, सावधान और तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। हम आ रहे हैं स्वयं। ये तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेने के तेरे पर जाएंगे। आप राजा हैं, साहस दिखाइए। अरे हम तो कब से तैयार हैं, आप भी वहां खड़े होके बातें बना रहे हैं। सावधान, आक्रमण रानी चिन्ना देवी। सावधान, ज्ञात रहे विजयनगर का इतिहास साक्षी है। जब जब विजयनगर पर कोई भी कठिनाई कोई भी समस्या आई है, तब तब विजयनगर की समस्त महिलाओं ने उस समस्या का उस कठिनाई का डटकर सामना किया है। महारानी चिन्ना देवी, परंतु आप यहाँ युद्ध भूमि में कर क्या रही हैं? महाराज हम और विजयनगर की समस्त महिलाएं आपका युद्ध में साथ देने आए हैं। गुरु जी ये क्या हो रहा है? हमें गर्मी लगनी प्रारंभ हो गई है, हमें भय लग रहा है, लेने के देने ना पड़ जाए। थोड़ा धीरज रखिए महाराज, सभी को अपना नाम पेश महोदय की पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाना है। महारानी चिन्ना देवी भी प्रयास कर रही है, कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। महाराज हम ना आपके लिए काजू और बादाम का स्वास्थ्यवर्धक हलवा लेकर आए, इसे खाते ही आप पे 100 हाथियों का बल आ जाएगा। नहीं 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 महारानी, ये लीजिए महाराज को दे दीजिए। अब जी 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 अवश्य। महाराज क्या? महाराज मना क्या था ना आपको लेने से, अब आप ही ग्रहण कीजिए इसे। महाराज महाराज आपको तो ज्ञात है हम में 10 बैलों की शक्ति है, परंतु ये ग्रहण करने से पहले हम वीर गति को प्राप्त हो जाए।
हम चाहते हैं कि आपके महाराज वीर गति को प्राप्त हो जाए। नहीं नहीं कभी नहीं महाराज। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमें शत्रुओं को भगाना है। सभी स्त्रियां सावधान। ये महिलाएं क्यों आ गई हैं? इनसे युद्ध करना पड़ गया और हार गए तो सम्मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। सावधान, हमारे रहते हुए हमारे स्वामी को कोई छू भी नहीं सकता है। और भी स्त्रियां इधर भी उधर भी। हे भगवान, क्या हो रहा है? सब अपना नाम अंकित करवाने के चक्कर में। हम आपको सावधान करते हैं, हमारे महाराज पर बुरी दृष्टि डालेंगे ना, हम आपकी आंखें नोच लेंगे। हम अरे शीघ्रता में तो हम हथियार लाना ही भूल गए। अरे उठाओ वो कुर्सी और फेंक दो उन पर। नहीं नहीं, हम कुर्सी में बैठा है, लेख लिखता है। अरे लिखिए ना, आप अच्छे से लिखिए। हम लिखेंगा। हमारे बारे में भी लिखिए। सावधान चिन्ना देवी। महाराज, हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए। अरे वाह चिन्ना देवी, आपने तो अत्यंत सुंदर हार पहन रखा है। हाँ महारानी चारुलता, मणिनगर के सर्वश्रेष्ठ स्वर्णकार द्वारा निर्मित है ये हार। इसमें तो अत्याधिक सुंदर हीरा जड़ा है, हमें भी ऐसा हार बनवाना चाहिए ना। ये हार क्या है, हमारे पास तो इससे भी सुंदर हार है, एक नहीं वो भी दो दो है और दोनों में हीरा जड़ा है। उन्हें युद्ध में आना था ना, इसलिए हम पहन के नहीं आए। आप महल में आइएगा, हम आपको दिखाएंगे। अरे हमें भी मणिनगर वाले स्वर्णकार का पता बताइए ना, हमें भी सुंदर हार बनवाना है। हाँ हाँ अवश्य देंगे चारुलता जी, अवश्य देंगे। और बाकी सब कुशल मंगल? यहाँ सब कुशलता से है। और आप सुनाइए, वहाँ सब कुशल है? अब क्या बताएं, वही प्रतिदिन की दिनचर्या। महाराज, वो पेश न जाने हमारे बारे में क्या लिख रहा होगा। महारानी, आपका नाम पेश महोदय की किताब में अंकित हो गया है। आप राजमहल लौट जाइए, वरना सूर्य प्रकाश में आपकी त्वचा खराब हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, हमारे रहते आप नहीं करेंगे। उचित है। महारानी ने कह दिया, अब युद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप छांव में बैठिए, हम अभी इनके छक्के छोड़ा कर आते। महाराज, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इन सबको भस्म कर देते हैं। नहीं, हमारे रहते हुए विजयनगर का कोई भी पुरुष युद्ध के लिए नहीं जाएगा, हम युद्ध करेंगे। भगवान, नरसिंह वर्धन जी, हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर, आप हमें आज्ञा दीजिए, अब प्रतीक्षा असंभव हो रही है। भाग्यवान महारानी, कृपया शांत हो जाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शांत, तब शांत हो जाइए। महाराज हम हैं, युद्ध हम करेंगे और विजेता भी हम ही होंगे, ये हमारा आदेश। महारानी, कृष्णदेव राय क्रोधित हो गए, हमें भय लग रहा है। देखिए, आप महल लौट जाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कृष्णदेव राय, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। गंभीरता से मत लीजिएगा। नरसिंह वर्धन जी, आप भी तैयार हो जाइए युद्ध के लिए, घमासान होगा। ये तो सच में तैयार हो गए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लेने के देने पड़ चुके हैं महाराज, अब युद्ध का प्रारंभ करें। तैयार हो जाइए, आक्रमण, आगे बढ़िए। आगे बढ़ो। क्यों, भयभीत हो गए? आगे बढ़िए। हम आ गए तो बता रहे हैं अनर्थ हो जाएगा। हम आ गए तो भी अनर्थ हो जाएगा। आक्रमण, रुक जाइए, पंडित रामकृष्ण।